गृहस्थली शिक्षा का सभी को ध्यान गृहस्थली शिक्षा में सबको ध्यान केन्द्रित होने सब का लगी सहज पहुँच गृहस्थलीय शिक्षा प्राप्ति आज को आवश्यकता हो। इस अभियान में सब पक्ष केन्द्रित हो सब सदैं सब में हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। सामुदायिक विद्यालय को शिक्षा विद्यालय को शिक्षा में गुणस्तरीय अभिवृद्धि करने नेपाल सरकार ने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम संचालन कर भविष्य में थप कार्यक्रम संचालन कर विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिका को मुख्य जिम्मेदार रहे तापनि संघीय सरकार ने स्रोत साधन अन्य कार्यक्रम सहित विद्यालय शिक्षा को विकास व्यवस्थापन में सहयोग इस ललितपुर महानगरपालिका को महानगरपालिका विद्यालय को समग्र पक्ष में सहयोग पुर्याई निर्मित भवन को मरम्मत सम्मान लगायत शैक्षिक उन्नयन में अतुलनीय भूमिका निर्माण करने पक्ष लगे सबप्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहूँ। हमें यह कोविड को महाविपत्ति आईटी को प्रयोग करना सब क्षेत्र में शिक्षा को पठन पाठन देखि अन्य जीवन का सब क्षेत्र में प्रयोग करने एउटा सकारात्मक मतलब हमें सीप को फिर यह कोविड ने विकास कर भूकंप ने हमें पुनर्निर्माण द्वारा अगड़ी बढ़ने कोविड को महाविपत्ति फिर हमें 21औं शताब्दी को नया विकास प्रविधि को प्रयोग कर सकने बनाईदेक यो शैक्षिक क्षेत्र ने पठन पाठन में त्यो प्रविधि को जसरी प्रयोग र अब हामी खोप द्वारा नै यसलाई निरूपण गरेर जान सक्ने छौं र समाजका शैक्षिक लगायतका सबै आर्थिक सार्वजनिक जीवनहरूलाई चाहिँ फेरि निर्बाध ढंगले सधैं जस्तै गरेर अगाडि बढाउन अगाडि बढ्ने छौं। अहिले सरकारले धेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले खोप 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 मात्रै पहिलो उद्देश्य भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यसको कार्यान्वयनमा अहिले हामी त्यही ढंगले लागिराखेका छौं।